गांधी जी के आश्रम में गई जेपी की पत्नी, बापू के प्रभाव में अपना लिया ब्रह्मचर्य। नाराज जेपी को महात्मा गांधी ने दी नसीहत, मैरिटल रेप से बेहतर है दूसरी शादी। आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत में दो नाम जन जन के बीच खासे लोकप्रिय माने जाते हैं, पहला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। मगर क्या आप जानते हैं कि घोर गांधीवादी जेपी एक वक्त गांधी जी से खासे नाराज हो गए थे? वजह थी जेपी की पत्नी, जो ब्रह्मचर्य अपनाकर बापू के साबरमती आश्रम में रहने चली गई थी। जब जेपी ने ऐतराज जताया तो गांधी जी ने उन्हें दूसरी शादी की सलाह दे डाली। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और सियासी किस्से में आज चर्चा गांधी बनाम जेपी के बीच की उसी टशन की, जिसे हम निकाल कर लाए हैं पत्रकार और लेखक सुधांशु रंजन की किताब जयप्रकाश नारायण के पन्नों से। बापू के आश्रम में जेपी की पत्नी। गांधी बनाम जेपी के इस किस्से की शुरुआत होती है 16 मई 1922 को, वो दिन जब 20 साल के जयप्रकाश नारायण पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और उनकी 16 साल की पत्नी प्रभावती गांधी के साथ रहने के लिए उनके साबरमती आश्रम चली गई। दरअसल गांधी की कोई बेटी नहीं थी। उन्होंने ब्रजकिशोर प्रसाद से अनुरोध किया कि वे प्रभावती को उनकी दत्तक पुत्री के रूप में साबरमती आश्रम में रहने के लिए भेज दें। ब्रजकिशोर प्रसाद प्रभावती के पिता। जयप्रकाश को भी इस फैसले से कोई परेशानी नहीं थी। उनके अमेरिका प्रवास के दौरान प्रभावती गांधी के आश्रम में ही रहीं। प्रभावती का अकेलापन और बापू का सहारा। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सुधांशु रंजन अपनी किताब जयप्रकाश नारायण में लिखते हैं कि साबरमती आश्रम में रहने के दौरान प्रभावती और गांधी जी के संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए। लंबे समय तक जयप्रकाश नारायण की अनुपस्थिति और उनके निरंतर पत्र न लिखने की आदत ने जब प्रभावती को अकेला और उदास बनाया, तब गांधी जी ने उन्हें संभाला और संबल दिया। यदि प्रभावती थोड़े दिन के लिए भी आश्रम से चली जाती तो गांधी परेशान हो जाते थे। पत्रकार और लेखक सुधांशु रंजन की किताब जयप्रकाश नारायण में ऐसी ही एक घटना का जिक्र है, जब प्रभावती के आश्रम से चले जाने पर गांधी जी ने उन्हें बुलावा भेजा था। गांधी के पत्र में लिखा था, मैं किसी खास काम के लिए नहीं बुला रहा हूं, कोई खास बात भी नहीं कहनी है, लेकिन जिस तरह बाप अपनी बेटी को बिना कारण भी अपने पास रखना चाहता है, वही स्थिति मेरी समझो। जेपी वापसी और ब्रह्मचर्य का झटका। सितंबर 1929 को जेपी अपनी पढ़ाई पूरी कर अमेरिका से भारत वापस लौटे और आते ही उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी प्रभावती पर गांधी जी का प्रभाव ऐसा पड़ा है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। इस बारे में प्रभा ने सिर्फ एक बार जेपी को पत्र में लिखा था, मगर गृहस्थ जीवन के हिमायती जेपी ने यह कहकर बात टाल दी थी कि लौटने पर चर्चा की जाएगी। मगर वापस लौटने पर तो हालात कुछ और ही थे। दूसरी शादी की सलाह। पत्नी के इस फैसले के लिए जेपी ने गांधी को जिम्मेदार माना और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कई कड़े पत्र लिखे। सुधांशु रंजन अपनी किताब जयप्रकाश नारायण में जेपी के पत्र पर गांधी के जवाब का जिक्र करते हैं। इस जवाब में गांधी ने लिखा था, मेरे लिए धर्म संकट है, प्रभा मुझे अथवा आश्रम को छोड़ना नहीं चाहती, मैं उसे कैसे निकाल दूं? मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रभावती को मुक्ति देनी चाहिए, तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए, क्या किया जाए? तुम्हारी भोगेक्षा को बलात्कार से कैसे रोका जाए? तुम तो भोगेक्षा को आवश्यक और आत्मा के लिए लाभदायी मानते हो, ऐसे में दूसरी शादी करने को मैं बुरी चीज नहीं समझता। बापू, जेपी और मैरिटल रेप। गांधी ने जेपी को अपने जवाब में उस गंभीर समस्या का भी जिक्र किया जिसे इन दिनों मैरिटल रेप कहा जाता है, जिसे लेकर आम आदमी तो क्या, हाई कोर्ट के जज भी बटे हुए हैं। मगर बापू की राय इसमें बिल्कुल साफ थी, किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती को वो बलात्कार ही मानते थे, फिर चाहे वो खुद अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। मैरिटल रेप पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।